देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के हार्डवेयर व्यापारी रमेश जनबंधु के गुम होने की शिकायत उनके परिजनों द्वारा डोंगरगढ़ थाने में 25 जून को लिखाई गई थी, जिसके बाद से ये खबर पूरे शहर में सनसनी बनकर फैल गई थी। वहीं पुलिस विभाग में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDOP डोंगरगढ़ के दिशा निर्देश में जांच में जुटी थी। वहीं आज गुम व्यापारी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा जांच के दौरान सुबह डोंगरगढ़ पुलिस को रमेश जनबंधु की बाइक ग्राम बछेरा भाटा के तालाब में मिली, जिसके बाद पुलिस द्वारा अलग अलग टीम बनाकर आसपास के क्षेत्र में लगातार व्यवसायी रमेश जनबंधु की तलाश की जा रही थी, जिसमें देर शाम पुलिस को सफलता भी प्राप्त हुई। पुलिस को राहुलकसर डैम के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों द्वारा व्यवसायी रमेश जनबंधु के तौर पर हुई। वहीं प्रथम दृष्टा पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। वहीं शव मिलने के बाद अब पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ के रहने वाले रमेश जनबंधु की 25 तारीख को थाने में सूचना आई थी गुम होने की, तो उसके बाद से ही डोंगरगढ़ थाना के द्वारा उनके पता तलाश किया जा रहा था। तो इसी क्रम में आज सुबह पता चला कि उनकी बाइक बछेरा भाटा के तालाब में मिली थी, तो उसके पश्चात हमने आसपास हमारी थाना की टीम ने और पता तलाश किया तो कोई पता नहीं चला, बाइक बरामद की गई थी। उसके पश्चात दोपहर को पता चला कि उनकी जंगल में एक डेड बॉडी मिली हुई है, तो फिर थाना की टीम वहाँ गई और डेड बॉडी रिकवर की, और उसके बाद जो उनके परिजन हैं उनसे शिनाख्त की गई। तो इस दौरान परिजन ने उनकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, तो अभी विवेचना जारी है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, राजनांदगांव।